ये लामहदूद दुनिया है, वसी और दूर दूर फैली हुई, जहाँ जर्रों के जर्रे उड़ रहे हैं बेवजह। बहुत मायूस होना इस ऊपर यस्तुम, ये सारी कायनात एक खाली फला है और कुछ नहीं। यही था तुम्हें जो सुनना था यक्ष, यही हर शख्स तुमसे पूछता है। अब बताओ, अब बताओ क्या है जो अकेला ही सफर करता है, तन्हा। वो क्या है जो अकेला ही सफर करता है तन्हा। बहुत गिरते हैं साए रोशनी से यक्ष, लेकिन फकत सूरज अकेला है जो सफर करता है तन्हा पर हमेशा। खुशी जो सब्र में है वो सबसे अच्छी। तो सब्र क्या है कौनते? सब्र यक्ष, बिना शिकवे के इंतजार करना अपनी उम्मीदों का, किसी ख्वाहिश को भूल जाने की मोहलत दे के रखना, ये ख्वाहिश डूब जाने दे, सब बर्दाश्त करना, दुआ कर लेना और अपनी जरूरत छोड़ देना, यही सब्र करना। अब बताओ बताओ, वो दुश्मन कौन है, वो दुश्मन कौन है जिसकी शिकस्त हो ही नहीं सकती। जरा सी लौ से जल सकता है जंगल, वो दुश्मन गुस्सा है जिसकी शिकस्त हो ही नहीं सकती। नादानों की गलती, सबकी डोरियां बांधी हुई है बाजी करने अपनी उंगली से, जिसे आदम समझता है कि वो उसकी अपनी कोशिश है, वो बाजी कर की एक उंगली की जुम्मिश है। अब बताओ ये भूख है या लालसा, भूख या लालसा। पेट भरा हो और जीभ से लार टपकती हो तो लालसा है यक्ष, या पेट भरा हो और जीभ से लार टपकती हो, पेट भरा हो फिर भी झोलियां भरते रहना अनमिट भूख है, लेकिन खुद की भूख मिटाकर औरों को भूखा रखना स्वार्थ है यक्ष। अब बताओ प्रजा की प्रजा की पूंजी में राजा का कितना हक होता है, पर उतना ही जितना उंगली पर बढ़ता हुआ नाखून, जिसे काटते रहना जरूरी है नहीं तो प्रजा का मांस छीलेगा। स्वयंवर क्या है? जब कोई स्वयं चुने जिंदगी का साथ तो स्वयंवर होता है। क्या वो सांझा भी होता है? निजी भी होते हैं रिश्ते, सांझी भी होते हैं, जैसे मित्रता मित्रों में। जब ममता मां की पांच संतानों में जो हमने देखा है वो सांझी होती है। और यदि वो पत्नी हो तो तुम क्या कहोगे? शरीर एक शब्द है पर आत्मा श्लोक संबंध का, हवस पल भर की होती पर संबंध सदियों की। मगर तुम्हें यह समझाना बहुत कठिन है यक्ष कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हें समझाना बहुत कठिन है यक्ष तुम ब्रह्मचारी हो। पत्नी सिर्फ जननी नहीं होती, वो मित्र भी होती है, वो माँ भी होती है, वो पांच उंगलियों में बटकर भी अमृत भरी एक ओक होती। अब बताओ इस
इस दुनिया में सबसे अजब क्या है? इस दुनिया में सबसे अजब क्या है? बड़ी आरजी है जिंदगी, ये जितना फूलती है। धुआं छटता है जब चिता से, तो चेहरा नजर आता नहीं क्यों आईने में? करोड़ों मरते हर रोज, सभी ने देखा, सभी को मरना है, ये सब जानते हैं। फिर ये याद क्यों नहीं आता जब हम सब जीते हैं? भला इससे बड़ा अजूबा और क्या होगा? तो राजाओं के राजा, वो धर्मराज और युधिष्ठिर, तुम्हारे सभी जवाबों से तसल्ली हो गई, तुम्हारी सोच दानिश देखकर नमन करता। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं कुछ पूछने की, तुम्हारे सब्र का इनाम जायज। किसी भी एक भाई के लिए जिंदगानी मांग सकते हैं, तुम्हारे वास्ते ये मौजा मंजूर करता। किसी एक भाई को जिंदा रखना है तो नकुल को जिंदगी दे। मंसूरत में अर्जुन और भीम का मरना, मंजूर है तुम्हें अर्जुन और भीम का मरना? नकुल को जिंदा रखना चाहते हो? क्या भीम और अर्जुन तुम्हारे मां के जन्म में नहीं थे? जरूरी है मगर यक्ष की राजा हर फैसले की वजह बताए। किसी को ठेस ना देना बहुत नेकी होती। मेरी दो माएं थी, एक मादरी और दूसरी होती। मुझे दोनों के हक का पास, ये दोनों का एक बेटा, यही वरदान दोनों जगा। अपने सारे भाइयों को जगा। वो नहीं तुम्हें इतनी शक्ति कैसे? तू हो कौन? धर्म हूं मैं। Oh.
very big round of applause for this absolutely enchanting performance. महाकाव्य में लिखी कवि है कि उनको अनेक कालों में अनेक संदर्भों में उनका पुनर्पाठ किया जा सकता है। राजकीय द्रौपदी देवी के ऊपर पांडवानी से लेकर शास्त्रों तक अनेक कथाएं पांची गई और उनके अनेक प्रस्तुतियाँ भी की हैं। आज ये अद्भुत प्रस्तुति जो हमने देखी उसमें भी इस जीवन से उनकी आंतरिकता और बाह्यता के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति विचार और इंटरप्रिटेशन देखने को मिला। इस नाटक के मंचन करने वाले, इस नाटक को डायरेक्ट करने वाले हमारे ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थी।